दिख रहा है ना इधर इस बार एक साथ बोलना है ठीक है तो बोलने लग गए बोलना चालू करते तो रुकते नहीं हो फिर हाँ क्या हाय गाइस ठीक है 1 2 3 4 हाय एवरीवन नमस्ते हाय गाइस बोल के हेलो ऐसे कैसे मूव बनाती है ये पानी पियो फिर टॉयलेट जाओ फिर पानी पियो फिर टॉयलेट जाओ वीडियो नहीं बनाते काम करते अपन है ना Hi guys, namaste. Namaskar. And welcome to our channel. तो वैसे तो आपने thumbnail जो मैंने इतना अच्छा सा लगाया हुआ है उसे समझ गए होंगे कि मैं क्या अनाउंस करने वाली हूँ या हम क्या अनाउंस करने वाले हैं आज हम लोग अपने लाइफ की बहुत ही बड़ी अचीवमेंट ही बोलूंगी मैं एक तरीके से अचीवमेंट नहीं सभी सभी की लाइफ हाँ, की सभी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और एक बहुत बड़ी नेसेसिटी होती है ये हाँ और हम लोगों के जो एक होता है ना मेन मेजर चेकलिस्ट होता है लाइफ का उस चेकलिस्ट में से एक नंबर है इस चीज का तो वो हमारा कंप्लीट हुआ है सो वी बॉट आवर फर्स्ट होम टुगेदर ये बोलते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मतलब मेरा अकेले का घर है या इसका अकेले का घर है लड़ाई झगड़े में होता है लेकिन खरीदा दोनों ने साथ में ही सो आई नो बहुत सारे लोग एकदम क्या क्या ये क्या क्योंकि आई थिंक व्लॉग्स में इतनी सी भी भनक नहीं लगी होगी ना ही मैंने कहीं पे भी बोला है कि मैं हम घर लेने का प्लान कर रहे हैं या क्या है ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें बहुत सडनली हुई है बट प्लान्ड वे में हुई है मतलब वी वर प्लानिंग फॉर दिस मतलब मैंने ही करी है इसलिए मैं अपना नाम बार बार ले रहा हूँ क्योंकि ये इंसान को तो मुझे लास्ट में मनाना पड़ गया था कि ले लेते हैं हाँ मतलब एक्चुअली मैं थोड़ा लास्ट में वैसी हो रही थी कि मतलब बहुत ना तो इतना बड़ा डिसीजन है ये चीजों का हमारी पूरी दोनों की सेविंग्स मतलब हमने सब उसमें लगा दी थी तो हम लोग बहुत उसमें थे मुझे ऐसा लग रहा था करते करते तक एंड में ना ये फीलिंग आई थी सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं फिर जब पेरेंट्स का एक अप्रूवल आ जाता है ना दोनों के पेरेंट्स का पेरेंट्स ने तो ये बोल दिया था कि तुम लोग देख लो आराम से अब जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है अगर पसंद आ रहा है तो ले लेना मतलब इट्स अ यू टू जो डिसाइड करेगा एट द एंड हम लोग साथ में हैं सो एक्चुअली क्या हुआ था ना कि 2017 अपनी लास्ट ट्रिप थी बाहर की है ना 2017 हम लोगों की लास्ट ट्रिप थी जो हम लोगों ने हमने अभी तक सिर्फ हम दो ही कंट्रीज घूमे हैं सिर्फ नहीं बोलूंगी वो हमारे मेरे को तो ठीक इनफ है ठीक है तो हम लोग दो कंट्रीज पहले हमारा ऐसा होता था हाँ मेरे को भी इनफ है नहीं मैं दूसरों के लिए बता रही हूँ 2017 के एंड में हम लोगों ने पता नहीं हम लोगों ने नहीं तब भी विक्की को ही एक मन आया था अपन को आई थिंक पता चला था कि अपने सोसाइटी में घर सेल हो रहा है एक 2BHK तो हम लोगों को तब थोड़ा इंटरेस्ट आया था एंड लिटरली तब Property rises were like this. हाँ, and daily basis बढ़ रहे थे। है ना? Serious नहीं थे, normally हम देख रहे थे just ऐसी। तो तब हमको एक reality check मिला कि भाई साहब property के जो rates है ना वो किस level के बढ़ रहे हैं और किस range में चल रहे हैं। मतलब we were literally shocked कि यार मतलब ये बहुत जगह है बॉम्बे भोपाल चाहे इंदौर कहीं पर भी इंदौर देख लो कहीं पर भी एग्जैक्टली लोगों ने उस तरीके से देखना शुरू किया हर जगह कंपेयर भी करी थी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉम्बे अकेले को कंपेयर किया था हमने बॉम्बे पुणे पुणे सब जगह कंपेयर किया था क्योंकि आई एम इनटू आईटी एंड शी इज इनटू वर्क फ्रॉम होम तो मैं तो काइंड ऑफ सो वो आराम से कर सकती है एग्जैक्टली तो अभी हम लोग आपको ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि कहां पे हमने लिया है ये आपको गेस करके बताना है फोर ऑप्शंस है पुणे मुंबई भोपाल एंड इंदौर ठीक है इन चारों में से आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है हमने कहां पे लिया होगा मैं देखना शुरू किया था So it's a very very long journey. नहीं वो हमने फिर स्टॉप कर दिया था हाँ, एक ही फ्लैट देखा था सच एक नहीं अपन गए थे इधर पे और पीछे लोधा के प्रॉपर्टीज देखने दो तीन अपन ने जब वो बनी रहा था पीछे वाला जो सोसाइटी है वो देखी थी और हमारी सोसाइटी में हमने एक दो फ्लैट देखे थे और फिर हम स्टॉप आउट ऑफ रीच हो गए हाँ, सब आउट ऑफ रीच हो गया था तो हमने कभी बंद कर फिर हम लोग पीछे वाल में भी यहाँ पर भी आके देखा क्योंकि यहाँ पर भी काफी सारी नई प्रॉपर्टीज बन रही थी इंदौर में भी देखा पुणे में भी देखा है हमने हाँ पुणे में भी गए थे हम लोग देखने के लिए तो पुणे में भी हमने देखा था हिंजावड़ी फेज वन के पीछे साइड पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हम लोगों ने सब जगह देखा और एक जगह तो ये मैडम को सीरियसली खींच के लाना पड़ा गया था बाहर क्योंकि ये कन्विंस हो चुकी थी कि मेरे को तो इसी जगह पे प्रॉपर्टी खरीदनी है और 3 साल बाद वो प्रॉपर्टी वापस से देखने के बाद इन्होंने उस प्रॉपर्टी के लिए ऐसा बोला है कि बाप रे अगर गलती से यहाँ घर खरीद लिया होता ना तो मतलब हाय तो वो हो जाती
सो 2018 में हम लोगों ने प्रॉपर ये जो बाकी की जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो हम फन के लिए करते हैं वो हमने थोड़ा स्टॉप करके एंड वी स्टार्टेड इनटू सेविंग्स. हमने तब कुछ सोचा नहीं था घर के लिए किसके लिए, बट इन जनरल हमको लगा था कि यार जो मार्केट में चीज़ें चल रही है ना उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वी लिटरली सेव्ड बहुत कम अमाउंट. तो हमने हमारी सेविंग्स को प्रायोरिटाइज करा और बाकी चीज़ों को कट कर दिया. हम डेफिनेटली घूमने जाते थे, ऐसा नहीं है, बट साल में सिर्फ एक ट्रिप हमारी जाती होगी. जैसे कभी गोवा चले गए 3 दिन के लिए, अलीबाग चले गए 1-8 दिन के लिए, ऐसा हम लोग ब्रेक कर, हाँ, रूटीन ब्रेक करने के लिए. बाकी जो एक लग्जूरियस ट्रिप्स होती थी जो हमने मारी है पहले, बाहर भी जाते थे, तो वो सब हमने स्टॉप कर दिया था. एंड मैं भी फिर अपने काम पे ध्यान देने लगी थी, लाइक यूट्यूब चैनल वगैरह पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट कर दिया था मैंने. तो ये हमारा फेस था 2018-19 आप मान लो. फिर 2020 आ गया कोविड, तब क्योंकि विक्की ने मेरे से प्रॉमिस किया था कि 2 साल तो नहीं कोई ट्रिप करेंगे, उसके बाद तब तक थोड़ा हमने ठीक कर लिया था चीज़ें. तो 2020 में विक्की और हमारे डिसाइड होते कि चलो एक अपन पास में कोई किसी भी जगह पे होके आते हैं बाहर, आउट ऑफ इंडिया. एक्चुअली मैं प्लान बना घूमने का जैन 2020 बर्थडे के स्टार्टिंग, हाँ बर्थडे के आसपास, और उसी टाइम कोविड की न्यूज़ आने लग गई थी. पहले वो बम ब्लास्ट वाला क्या चल रहा था, तो मैंने बोला था कि मार्च में अफगानिस्तान साइड पे जो चीजें चल रही थी वो मतलब उसकी वजह से हमारा प्लान कैंसिल हुआ. कैंसिल नहीं हुआ था, मैंने बोला था कि अपन, क्योंकि उस टाइम में ना बम ब्लास्ट हो रहा था, तो मुझे न्यूज़, मैं थोड़ी डरपोक टाइप की हूँ, तो मुझे लगा यार कहीं दुबई में टपक गया तो, या कोई कहीं इधर टपक गया था, तो हमने वो प्लान को पोस्टपोन करके ना उड़ता उड़ता कहीं भी टपक सकता. मैंने बोला रिस्क नहीं लेते हैं, मार्च में चलते हैं यार. मार्च में तो भाई फिर फरवरी तक तो न्यूज़ ही आ गया था कि, तो अच्छा हुआ हमारी बुकिंग्स वगैरह कुछ नहीं हुई थी. फिर क्या हुआ, जब हम यहाँ पर आए थे ना 2020 में, तो हमारे मेरे फादर इन लॉ ने थोड़ा ऐसे पुश करना स्टार्ट किया कि अब दिस इज़ अ गुड टाइम कि तुम लोग थोड़ा इन्वेस्ट कर दो कहीं पे, प्रॉपर्टी फंसा लो कहीं पे, ये कर लो वो कर लो ऐसे करके. तब तक भी हम इतने, हमने कहा ठीक है कर लेंगे, देखना चालू करेंगे कर लेंगे एंड ऑल दैट. एंड फिर बस वो चीजें हो गई, हम दोनों ने घर देखना शुरू किया. मेरा काम था कि घर पता करना, इसका काम था घर को सिलेक्ट करना और उसका मैं क्या करती हूँ इंस्पेक्शन करना. हाँ, सही मायने में इंस्पेक्शन इन द सेंस मींस मैं घरों के अंदर लिटरली आधा खाली घर है, मैं आधे घंटे खड़ी हूँ एक जगह पे खड़ी हूँ, तो मैं खड़ी ही हूँ और विक्की सोच रहा है चलो भाई चलो भाई घर देख लिया दूसरा देखना है. मतलब मैं इस तरीके से, मैं सब बताऊंगी आप लोगों के साथ क्योंकि मैंने वो सब क्लिपिंग्स ली हैं, तो वो सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करूंगी. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम दोनों को पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए उस घर में, हम दोनों बोले यस दिस इज द होम. वो बात जब तक नहीं आई ना तब तक हमने ढूंढा है, और ऐसा नहीं कि हमने बहुत ढूंढा. लोग जैसे मेरे मम्मी पापा ने जब घर सेलेक्ट किया था ना तो उन्होंने 1 साल तक ढूंढा है, या मेरे इन-लॉज ने जब घर सेलेक्ट किया था उन्होंने भी 6 मंथ, वो ऐसे एग्जांपल बताते कि भाई हमने 6 मंथ तक ढूंढा, 1 साल तक ढूंढा, फिर सभी सब हमको ऐसे आज तक कभी किसी को नहीं देखा जो मेरे को ये बोलते कि भैया हमने 20 दिन में हमने फाइनल करके बोला जय श्री राम चलो. तो ना मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से कि हमने कहाँ से बजट रखा था और कहाँ से किस घर से देखना चालू किया था वो सब विद सोसाइटी नेम्स विद एवरीवन. तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू एज वेल फाइंडिंग आउट योर परफेक्ट प्लेस फॉर योरसेल्फ. एग्जैक्टली. पता है दूसरी चीज, ढूंढने जाते थे ना तो हम खुद सोसाइटीज के वीडियोस देखते थे यूट्यूब पे, जो हमको नहीं मिलते थे, कुछ मिल जाते थे वो हमको बहुत हेल्पफुल लगते थे. तो वो चीज आप लोगों को आगे चल के हेल्प आए, उसके लिए जस्ट इन अ हेल्पिंग वे में हम ये पूरी एक सीरीज बनाने वाले हैं, वी बॉट अ होम समथिंग सीरीज, जो भी उसका नाम आप लोग भी मुझे डिसाइड करिएगा कि सीरीज का हम लोग क्या नाम रखें. एंड यस वी बॉट आवर फर्स्ट ड्रीम होम, आई विल कॉल इट अ ड्रीम होम बिकॉज भैया बहुत ड्रीम्स में लोन्स की पूरी शीट आती है. कैसे हुआ, क्या हुआ, कितना BHK है, किस सोसाइटी में लिया है, कितने हमने सोसाइटीज देखे, कहाँ से हमने लोन किया है, लोन का प्रोसेस क्या था, वो भी विक्की आप लोगों के साथ में शेयर करेगा इफ इन एनी केस किसी को हेल्प लगे तो. सो यस दैट्स इट फॉर आवर वीडियो. इस वीडियो में हमको स्पेशल अनाउंसमेंट रखना था और ये वीडियो स्पेशल रखना था ताकि हम भी डॉक्यूमेंट करना था कि हम भी आज से 5 साल बाद देखें तो हमको भी मजा आए कि हाँ ये हमारी जर्नी थी एंड मैंने सब चीज डॉक्यूमेंट करी है. साथ में किया. हाँ एग्जैक्टली. सो इन्होंने बहुत काम ली, सही मायने में सच बता रहा हूँ, मेरे को कभी एक्सपेक्टेड नहीं था ये इंसान इतनी काम ली ये चीज कर पाएगी. आखिरी में जाके बिखर गई थी, उसको समेटना पड़ गया था, लेकिन करा था, काम ली, हैंडल किया. और 20 दिन में क्यों, हमने कैसे कर लिया, वो सब भी बताएंगे, वो सारे भी सब फैक्टर्स आप लोगों को हम बताएंगे कि हाँ. क्या चीजें हमने सोची थी, क्या करा था,
ऐसा सब क्या सोचा था और क्या हो गया, वैसा वाला भी सिचुएशन ही हुआ एक तरह से. मतलब हम खुद अनबिलीवेबल थे, फिर हमको थोड़ा एक होता ना, हमको ऐसा लगा शायद यही आना था, वो वाली फैक्टर हमको एक ट्रू वो बिलीव में आया था कि. तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी. थोड़ा ये बोली थी और वही हो गया. अब मैं ये चीज क्लू दे रहा हूँ एक, कि इसने बोला था कि काश यहाँ घर हो और वही हो गया. सो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा. एक तो आपको सिटी गैस करना है, ठीक है, और दूसरा नंबर आपको क्या गैस करना है कि बस सिटी मेन है, मेन आपको सिटी गैस करना है कि हमने कहाँ लिया है. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी मिलूंगी आपसे. इसी वीडियो में हमारे विक्की जी एज अ गेस्ट आए हैं चीफ गेस्ट की तरह, क्योंकि अगले वीडियो में तो गायब हो जाएगा. इसको अपने काम ज्यादा चल रहा है इसलिए ये व्लॉग्स में भी कम आ रहा है. लेकिन अब जो होम सीरीज पूरी आएगी ना, हाँ मैं कोशिश करूंगा कि मैं रहूं उस समय. और भी भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हमें इस पूरी सीरीज के लिए प्लीज आप लोगों का सपोर्ट चाहिए रहेगा. मैं सिंपैथी कार्ड नहीं प्ले कर रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि जिस भी भाई बहनों ने लोन लिया है उन सबको पता है कि लोन कैसा हैवी पड़ता है. वी आर नॉट गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस एट ऑल, लेकिन हाँ फाइनेंस हिला हुआ है. फाइनेंस लिटरली हिला हुआ है दोनों का, सारी सेविंग्स हिली हुई है. जिस भी इंसान ने लोन लिया ना उसी के लिए रिलेटेबल है. जैसे बहुत सारी बेसिक चीजें हो गई हैं. आई एम वेरी मच पोलाइट टू माई बॉस नाउ, बहुत ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा. अगर मयूरी आप ये वीडियोस देख रही हैं तो यू माइट बी गेटिंग दैट वाइब्स फ्रॉम मी, राइट? शी आल्सो हेल्प मी अ लॉट व्हाइल this entire process. Hey guys, so cut to here. मैं अभी एडिट कर रही थी वीडियो एंड आई रियलाइज कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने मैंशन करना भूल गए हैं. तो मैंने सोचा मैं छोटा सा वो जो पार्ट है वो यहाँ ऐड कर दूंगी. तो ये जो घर है ये हम लोगों ने कब खरीदा है वो वाला टाइम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी. दूसरी चीज़ ये कि हमने ये मैंशन क्यों नहीं किया था, तो सबसे जो मेन और मेजर रीज़न है वो ये है कि एक चीज़ हमारी अटकी हुई थी, बैंक से रिलेटेड है वो. तो ऑब्वियसली जब तक ऑल क्लियर आपको नहीं मिल जाता है, मतलब ये बात सिर्फ मेरे पेरेंट्स को, विक्की के पेरेंट्स को ही पता था, इसके अलावा किसी को नहीं पता था. हमारे कोई रिलेटिव, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब सब गालियां देने वाले हैं जब ये वीडियो देखेंगे. सो किसी को भी नहीं बताया था मैंने. तो उसका रीज़न सबसे बड़ा यही था कि आप कोई एक इतना बड़ा काम कर रहे हो जब तक वो हर जगह से ऑल क्लियर नहीं हो जाता है. होता है ना, आप थोड़ा सोचते हो यार सब क्लियर हो जाए फिर ही हम अच्छी चीज़ बताएंगे. तो वही हुआ. तो वो क्लियर ही हमारा अभी फेब्रवरी में ही हुआ, स्टार्टिंग ऑफ फेब्रवरी में. वो एक छोटा था लेकिन अटका, वो मेजर था और छोटा सा था, वो क्लियर हो गया. तो इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि व्हाट इज़ द राइट टाइम. तो हमने सोचा मार्च के स्टार्टिंग में बता दिया जाएगा क्योंकि उस टाइम पे जाना भी रहेगा एंड अच्छा टाइम भी है, विक्की का बर्थडे मंथ है. तो हमने सोचा चलो मार्च में बता देंगे. तो ऐसा हुआ है. दिस इज द मेन रीजन जो हम लोगों ने डिले किया है, नहीं बताया था किसी को भी. तो हम लोगों की स्टोरी, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा. एंड मैं पहले से ही सबको थैंक यू लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है काफी सारे अच्छे अच्छे विशेज आएंगे. वी रियली नीड योर ब्लेसिंग्स प्लस विशेज एज वेल. सो वो बिल्कुल आप देते रहिएगा. एंड दैट्स इट फॉर आवर वीडियो. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी की चीजें डिस्क्लोज करूंगी. सो वेट जरूर करिएगा नेक्स्ट वीडियो का एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा. सो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. हाँ, मैंने हिंट दे दिया है कि ये बोली थी. यस, मैं मिलती हूँ, या विक्की तो नहीं आएगा, मैं ही मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.